हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए आई हूँ, जो कि आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग भी है। वो है सना जावेद और शोएब मलिक की शादी। हर कोई आजकल इसी के ऊपर बात कर रहा है। एक्चुअली मैं ये कल सुबह ही ये न्यूज़ डिस्क्लोज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसकी बैकग्राउंड काफ़ी ज़्यादा पीछे से चली आ रही है। जब इनकी शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी हुई तो तभी सबको पता था कि सानिया मिर्ज़ा मुस्तकिल पाकिस्तान में नहीं रह सकती हैं और शोएब मलिक जो हैं वो मुस्तकिल इंडिया में नहीं रह सकते, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो नेशनैलिटी तो देते नहीं हैं एक दूसरे को। तो अल्टीमेटली बेचारों को, दोनों को दुबई में अपना काफ़ी सारा ज़िंदगी का हिस्सा गुजारना पड़ा। और सानिया मिर्ज़ा की मैं एक बात कहूँगी कि वो उन्होंने इस रिश्ते को अच्छे तरीके से कभी ओन ही नहीं किया। उन्होंने हमेशा ख़ुद को मुकदम समझा, अपने आप को प्रेफरेंस दी, और शोएब मलिक को उन्होंने कभी भी इतनी कोई प्रेफरेंस नहीं दी। जब उनके शुरू के मैंने देखे हैं वीलॉग, जब वो पाकिस्तान भी आई सब कुछ, तो उन्होंने ये प्रिटेंड किया कि जैसे वो पता नहीं किसी और सियारे से आई हैं और शोएब मलिक जो हैं वो किसी ज़मीनी मखलूक से उनका ताल्लुक है। तो खैर एनीवे, जैसे तैसे करके उनका सिलसिला चलता रहा। फिर अल्टीमेटली पिछले 2 साल पहले से उनके, मैं सानिया मिर्ज़ा के मैंने वीलॉग देखे जिसमें वो सिर्फ अपने बेटे को अकेले खाना खिला रही हैं, डाइनिंग टेबल पर इकट्ठे बैठे हैं, तो मुझे तभी हैरत हुई। मैंने कहा देखें मे बी ये दोनों साथ नहीं रहते। और फिर उनके सेपरेशन की न्यूज़ भी आई और अब फाइनली ये सब कुछ सबके सामने आ गया। और अगर आप सना जावेद की बात करें तो उनके बारे में मैं ये अपना जीतो पाकिस्तान में उनको देखती थी, ये सारे जब शाइस्ता लोधी, शोएब मलिक और सना जावेद वगैरह ये सब गेस्ट होते थे, तो काफ़ी अच्छी इन सब की अंडरस्टैंडिंग है और सब बड़े अच्छे तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मे बी उस दौरान इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग हुई हो, तो उस सिनेरियो में फिर सना ने अपना घर, हालांकि मेरा ख्याल है उसकी शादी को भी 1 साल ही हुआ है, तो उससे अपना घर जो है वो उसको ख़त्म करके तो ये वाला घर बनाया है। लेकिन मेरा जो इशू है, मेरा जो कंसर्न है, वो ये है कि हमारे पाकिस्तान में निकाह जो है वो इतना बड़ा इशू क्यों है, हम नहीं इस चीज़ को ओन क्यों नहीं करते। हम हिडन फ्रेंडशिप्स रख लें, कुछ भी कर लें, उस चीज़ को इशू नहीं बनाया जाता। मज़ा आया अगर वो दोनों वैसे एक दूसरे को डेट करते रहते तो सदियों सदियों किसी को पता ना चलता, तो वो सब चलता था। लेकिन अगर उन्होंने एक अच्छे तरीके से, इस्लामी तरीके से खुद को एक दूसरे के साथ रिश्ता इस्वाज में मुंसलिक किया, तो सारों को बड़ी तकलीफ हो रही है। कुछ लोग, बल्कि मोस्टली मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग जो हैं वो इसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा वीडियोस बना रहे हैं। मैं समझती हूँ कि उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। अल्लाह ताला उनको आगे ज़िंदगी में फले फूलें, एक दूसरे के साथ रहें, अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजारें। और अगर मियाँ बीवी के दूसरे से नहीं बनाती तो इसका बेहतरीन हल ये है कि एक दूसरे को छोड़ दिया जाए। अल्लाह ताला ने कोई ना कोई आपके लिए और लिखा ही होता है। मायरा खान देखें इस एज में, जिसको इतनी बातें करते हैं सब कि जी ये और वो, रणवीर कपूर के साथ डेटिंग और ये वो, लेकिन देखें उनको भी कितना अच्छा हस्बैंड मिल गया है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है, हमें इस चीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस सारे सीन में ज़्यादातर तनकीद का निशाना जो है वो सना जावेद को बनाया जा रहा है। शोएब मलिक तो बेचारा मजलूम हो गया ना, एज हमारी माशरे, हमारी सोसाइटी में मर्द को तो मजलूम ही शो किया जाता है। तो सना जावेद को सारा इस सीन का मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, जो कि मैं समझती हूँ बिल्कुल गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनका राइट था, उन्होंने शादी की और मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, खुश रहें, आबाद रहें और थोड़ा से ऑप्टिमिस्टिक होकर सोचें, पॉजिटिव होकर सोचें, तो मैं समझती हूँ कि आपकी ज़िंदगी के बड़े सारे मसले हल हो जाएंगे। आपके ब्लड के जो नेगेटिव केमिकल्स रिएक्शन जो है ना, वो ख़त्म हो जाएंगे, आपकी सोच पॉजिटिव हो जाए, तो आप बड़ी सारी बीमारियों से बच जाएंगे, शुगर से, ब्लड प्रेशर से, 100,000 किस्म की जो बीमारियाँ हैं उससे बंदा बच जाता है। तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें, दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचें, और इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ भी अच्छा होगा। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।